हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज हमारे पीछे आप ये टेंट वगैरह देख सकते हैं। तो ये टेंट लगने का रीजन ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टेंट लगा है वो मेरे गांव में ही लगा है, खिरिया टोला में। और हमारे गांव में आज असदुद्दीन ओवैसी साहब आने वाले हैं, जो AIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी आज सभा है। और इस सभा को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, और लगभग अभी एक दो घंटे बाद ओवैसी साहब आने वाले हैं। तब तक मंच को सजाया जा रहा है। और ये हमारे राजा भाई हैं, ये ओवैसी साहब के बहुत बड़े फैन हैं। तो कैसा लग रहा है आपके गांव में ओवैसी साहब आ जाने वाले हैं? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि हमारे बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। जी, तो ये ओवैसी साहब के बहुत बड़े फैन हैं, और आज ये अपने नग्न आंखों से उनको देखेंगे। तो ये स्माइल इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं उनको देखेंगे। जी मैं पहले भी मिल चुका हूँ ओवैसी साहब से, ये मनसा छापर में आए थे। देखिए, आज दोबारा मुलाकात होने वाला है। तो ये मनसा छापर गए थे उनसे मिलने के लिए, और आज फिर यहाँ आए। आप देख सकते हैं टेंट पे लोग। तो ये हमारे गांव के सभी नौजवान लोग हैं, आप देख सकते हैं। और ये लोग सभी लोग ओवैसी साहब को देखने आए हैं और उनका स्पीच सुनने आए हैं। और चलिए और कुछ लोगों से मिलवाते हैं आपको। और ये सामने आप देख सकते हैं मंच बना हुआ है, यहीं पे विराजमान होने वाले हैं। और ये हमारे तो बोल नहीं पाएंगे, तो फिलहाल ये गुटखा खाए हुए हैं। और ये हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जी, बताइए चल है आपका? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कितने उत्साहित है आप ऐसी साहब? अरे बहुत उत्साहित है, अपने गांव के लोग उत्साहित है देखने के लिए। लगभग आधे घंटे से ये इंतजार कर रहे हैं आप ओवैसी साहब का, और देखते हैं कब आते हैं। देखिए, यहाँ झंडा लिए हुए हैं और बलिष्ठ असदुद्दीन साहब बस आ गए। काफी दूर दूर से लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? में आने वाले हैं और हमारे गांव के नौजवान लोग हैं। आप कितने उत्साहित हैं ओवैसी साहब को देखने के लिए? बता नहीं सकते, लोग क्यों बयान नहीं कर सकते कितने उत्साहित। तो क्या आप वोट देने वाले हैं? एकदम पसंद है, आप देंगे तो देंगे, उसको भी पसंद हो रहे हैं। जवाब देना है यहाँ के नौजवानों में, क्या उत्साह है? अगर ये करते हैं तो सबको क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए आप? हम पकड़िया रहा से बाजार कोटवा। तो अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब को आने में लगभग एक डेढ़ घंटा का समय है, और आप पीछे ये मंच देख सकते हैं लगा हुआ है। ये हमारा ये जो मंच है वो हमारे गांव में ही लगा है, खिरिया टोला में। और यहाँ हम लोग अक्सर क्रिकेट खेलने आया करते हैं, और पीछे अपना खेत भी है।
तो बस लगभग 1 से 1.5 घंटे में आने वाले हैं श्री साहब, तो फिर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं धूप के वजह से लोग अभी छांव में इंतजार कर रहे हैं वहाँ, और जैसे आएंगे वैसे साहब तैसे तुरंत मंच पर पहुंचेंगे। तो अभी काफी ज्यादा संख्या में भीड़ होने वाली है और लगभग बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मंच पे अभी पहुंच चुके हैं। गन्ना किसान है जो देखे दिखाए पड़ा गन्ना किसान, और जिनकी पार्टी का नाम है राष्ट्रीय कोटि समाज, जो आज आपका हिस्सा बन रही है, समझ रही है आपकी गठबंधन का हिस्सा बन रही है। उनको आज अपने वोटों के दम पर अपने वोटों की ताकत से उस भाग्य में पहुंचे। तो अभी फिलहाल हम लोग मौजूद है अपने गांव खिरिया टोला में, और पल्लवी पटेल करके कोई पॉलिटिशियन है जो अभी तुरंत आई हैं, और ये उनका गाड़ी है, और 15-20 मिनट में आने वाले हैं। कप्तानगंज से राम को आधे घंटे में आ जाएंगे। ये आपके बीच में जी बताइए आपकी भीड़ क्यों है? तो ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि रीजन दिख नहीं रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है इसी वजह से भीड़। हाँ तो असदुद्दीन जानते हैं लड़ रहा है, उसका कहना यहाँ से जो कैंडिडेट लड़ रहा है प्रसाद मौर्य जी हमारे स्वागत। अभी हम लोग ऐसी साहब का इंतजार कर रहे हैं, और आप फिलहाल भीड़ जैसे सही है और महाराज 5 किलोमीटर लगभग बीच में ऐसी साहब आ चुके हैं। Yeah!
है हमारे आप सभी से निवेदन है कि आप सभी देख जाए जो कुछ सुनने आए हैं वो शांति बनाए रहे, क्योंकि देख जाए सबको फायदा सुनने का मौका मिलेगा। आप सभी देख जाए हमारे अतिथि जो आए हैं इस तरह से कुशीनगर एमआईएम की टीम की तरफ से, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशी साहब, बहन पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनका माल्यार्पण का स्वागत करते हुए सामने से हरिया आप सभी सामने से हरिए वीडियो बनाओ उसका पूरा घुमाओ सामने से हरिए, ताकि सारे दर्शक फोटो ले सके। हमारे मतदाता अपने प्रत्याशी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा कुशीनगर के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री मेरे बड़े भाई जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आयरन लेडी अपना दल कबीरावादी की नेता सुरातू विधायक मेरी बहन पल्लवी पटेल साहिबा, हैदराबाद से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के विधायक को दिल्ली भेजने का काम करे। मेरे दोस्तों आजादी के 75 साल बाद भी अगर इस देश का सबसे पिछड़ा कोई हाजरीन इकराम, बुजुर्गान खौमर मिल्लत, मेरी इज्जतदार भाई और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ फरमा कुशीनगर के उम्मीदवार मोहतरम जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, हमारी बहन विधायक पल्लवी पटेल साहिबा, उत्तर प्रदेश के एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद मौर्य साहब को अपना कीमती वोट देकर गन्ना किसान उनका निशान है, और ईवीएम की मशीन पर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का नंबर 6 है, आप गन्ना किसान को बटन दबाकर आप उनको कामयाब करिए। मैं आपसे ये गुजारिश कर आप बैठ जाइए, बड़े बुजुर्ग हैं बैठे, समुदाय का वोट तो हासिल किया जाए। मेरी आपसे अपील है कि भारत हमारा एक वाहिद देश है पूरे विश्व में जहां पर
एक खुदा को नहीं हजारों खुदाओं को, समुदायों को, मजहब को, तहजीब को मानने वाले रहते हैं। ये मोदी यही चाहती है कि सिर्फ नफरत को यहां पर आम कर दिया जाए। जब नरेंद्र मोदी से सुनिए सुनिए, अगर आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठ जाएंगे। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने कितने मर्तबा वोट किया, तब भी अखिलेश यादव बीजेपी को नहीं हरा सकते, इस बार भी नहीं हरा सकते। बता रहे हैं आपको, आप स्वामी प्रसाद शाह मौर्य साहब का साथ दीजिए। कुशीनगर से हमको मोदी को हराना है। स्वामी प्रसाद मौर्य और कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूं, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश को बेच दिया चाय के नाम पर। 2019 का लोकसभा का चुनाव आया तो मोदी चाय वाला नहीं बोले, आकर कान में बोलेंगे ओवैसी के भड़काव भाषण में मत आना, तो आप उन शैतान से कहना तू जा यहां से। हाँ, वो आकर बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ये सब ऐसा ही जज्बाती बात करते हैं। वो आकर आपसे कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को वोट देना वोट को गड्ढे में डालने के बराबर है, तो उनसे कहना ये गड्ढा तुमने बनाया, हम इसको भरेंगे अपने वोट से इंशाअल्लाह ताला। तो हिंदुस्तान, भारत, सलाम अलैकुम। सभा खत्म हो चुकी है और देख सकते हैं आप लोग कैसे घरों को जा रहे हैं अपने। काफी अच्छा स्पीच दिया है ओवैसी साहब ने, देख सकते हैं लोग कितने परेशान हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन इतने लोगों से मिलना पॉसिबल हो नहीं पाएगा और सभी लोग ये घेर लिए हैं एक तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है और ये ओवैसी साहब का काफी है और बस सब जाने ही वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आप देख सकते हैं अपनी बात को इतनी मजबूती से रखते हैं कि शायद ऐसा कोई नेता पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो जो माइनॉरिटी का और जो पिछड़े समाज का, अनुसूचित समाज का इतनी बुलंदी से संसद में आवाज उठा सके। अभी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आपके, आप देखेंगे ये कुशीनगर ओवैसी साहब यहाँ से अब जा चुके हैं और ज्यादातर लोग भी अब धीरे धीरे अपने घरों के लिए निकल रहे हैं और यहाँ इंतजार करते करते और सभा खत्म होते होते शाम हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम भी चलते हैं घर की तरफ और आई होप आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं आप सभी ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।